हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह नेरागिन। हाउ टू हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस हाउ टू वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोगों ने IRCTC मतलब इंडियन रेलवे में अपने लिए ट्रेन का टिकट बुक करा रखा है, फिर चाहे आप लोगों ने IRCTC की वेबसाइट से किया हो या फिर IRCTC की मोबाइल एप्लीकेशन से किया हो, और अब आप लोग उस ट्रेन के टिकट को कैंसिल करना चाहते हैं, तो वो आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए IRCTC के ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन से कैसे कर सकते हैं, ये आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप लोग कितनी देर पहले अपनी ट्रेन का टिकट कैंसिल करवा सकते हैं और आप लोगों का जो रिफंड है वो आप लोगों को कहाँ मिलेगा। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं इसको कैसे करना है और इसके बारे में, तो फिर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए, मैं आप सभी लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी लोग को बता दूं कि अगर आप लोग अपनी ट्रेन का टिकट IRCTC की वेबसाइट में जाके कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आप सभी लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वहाँ पर से क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी ट्रेन का टिकट IRCTC की वेबसाइट से भी कैंसिल करवा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोग को IRCTC की ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, आप लोग आ जाइए अपने मोबाइल फोन पे। जैसे आप लोग आएंगे अपने मोबाइल फोन पे, तो आप लोगों को यहाँ पर से IRCTC की ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करना होगा। मैं इस एप्लीकेशन को यहाँ पर से लॉन्च कर देता हूँ। एप्लीकेशन को लॉन्च करने के बाद यहाँ पर देखिए, आप लोगों के पास एक ऑप्शन होता है ट्रेन टिकट का, तो आप लोगों को यहाँ पर से इस पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, अभी आप लोगों से लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों का यूजर नेम आ चुका है। अब आप लोगों को यहाँ पर से अपना पिन डालना पड़ेगा, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए और इसमें लॉगिन कर लीजिए। तो फिलहाल मैं यहाँ पर से अपना पिन जो उसको एंटर करता हूँ और फिर हम यहाँ पर से लॉगिन पे क्लिक करेंगे। मैंने अपना पिन यहाँ पर एंटर कर दिया है, अब मैं यहाँ पर से लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए वैलिडेट कर रहा है, और ये जैसे वैलिडेट करेगा तो हम अपने अकाउंट पे एंटर कर जाएंगे। यहाँ पर देखिए, हम लोग अपने अकाउंट पर एंटर कर चुके हैं, हमारा यहाँ पर डैशबोर्ड लिखा हुआ मिल चुका है। अब हमें देखना है कि हमारी जो बुकिंग है वो हम लोगों की कौन सी है जिसको हम लोगों ने कैंसिल करना है। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए तीन लाइन है, आप लोगों को इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग यहाँ पर से इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के पास एक ऑप्शन आता है माई ट्रांजेक्शन का, ये देखिए यहाँ पर। जैसे आप लोग यहाँ पर से माई ट्रांजेक्शन पर क्लिक करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के पास एक और ऑप्शन आएगा माई बुकिंग का। यहाँ पर देखिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर से माई बुकिंग पे चले जाना है। जैसे आप लोग यहाँ पर से माई बुकिंग पे जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों की जितनी भी बुकिंग होगी वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को नीचे देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर देखिए जैसे मेरी ये टिकट है, मेरी ये टिकट है रानीखेत एक्सप्रेस में, उसका नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, और मेरी जो टिकट है वो है हल्द्वानी से दिल्ली, और यहाँ पर से देखिए बोर्डिंग स्टेशन है हल्द्वानी, और उसका टाइम जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से इस पर क्लिक कर देता हूँ और इसकी जो बाकी की डिटेल्स है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर से देखिए आप लोगों को बाकी की जो डिटेल्स है वो भी आप लोगों को दिखने को मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर से इंश्योरेंस की डिटेल आप लोगों को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर से देख लीजिए आप लोगों का जो भी कोटा या फिर क्लास, किस क्लास में आप लोगों ने टिकट जो है वो रिजर्व करवाया था। जैसे मेरा यहाँ पर से स्लीपर है, और उसके बाद यहाँ पर से देखिए टिकट का जो चार्ज है वो कितना है, और उसके बाद यहाँ पर से देखिए मेरा जो नाम है वो यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका, और यहाँ पर से बुकिंग का जो स्टेटस है वो यहाँ पर से देखिए कन्फर्म है, और उसके बाद यहाँ पर से देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर देखिए चार्ट का जो स्टेटस है वो है चार्ट नॉट प्रिपेयर्ड। तो अभी जो ट्रेन का चार्ट है जिसमें सारी सीटों की इन्फॉर्मेशन होती है वो अभी बना नहीं है, तो आप लोगों का जो ट्रेन का टिकट है वो कैंसिल आसानी से हो सकता है। अब बात आती है कि आप लोगों का कितना चार्ज जो है वो कटेगा और आप लोगों का पैसा जो है वो कहाँ आएगा। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, जो भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आना है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को एक हाउ टू हिंदी वेब पेज का लिंक मिलेगा। आप लोग वहाँ पर से क्लिक कर इस वेब पेज पर आ जाइए। इस वेब पेज पे आएंगे, तो जैसे आप लोग यहाँ पर से इस वेब पेज पे आएंगे, तो आप लोग यहाँ पर से इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, और अगर आप लोग इसको नीचे को स्क्रॉल करेंगे और आप लोग जानना चाहेंगे कि आप लोगों का कितना पैसा कटेगा और वो पैसा आप लोगों का कहाँ जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर से इसमें क्लिक कर लीजिए। तो अगर आप लोग इसको इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इसको इंग्लिश वाले को ओपन कर लीजिए, अगर आप लोग हिंदी में पढ़ना चाहें तो आप लोग यहाँ पर से हिंदी वाले को ओपन कर लीजिए। इसको ओपन करने से आप लोग IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, जहाँ पर आप लोगों को ई टिकट रद्द करने की पूरी जो प्रक्रिया है वो लिखी हुई है। आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों का कितना पैसा जो है वो कटेगा। जैसे यहाँ पर देखिए 240 रुपये, अगर मैंने यहाँ पर से AC फर्स्ट क्लास में किया होगा तो मेरा 240 रुपये जो है वो कटेगा, और अगर मैंने AC सेकंड में किया होगा तो 200 कटेगा, और उसके बाद यहाँ पर से देखिए अगर मैंने स्लीपर में किया होगा तो 120 कटेगा, अगर मैंने यहाँ पर से सेकंड क्लास में किया होगा तो यहाँ पर से मेरा जो 60 रुपये वो कट जाएगा, और ये जो पैसा है वो डायरेक्ट उसी बैंक अकाउंट में जाएगा जिस अकाउंट से मैंने यहाँ पर से पेमेंट जो है वो की होगी। तो अब आप लोगों को पता चल गया है। अब आप लोगों को क्या करना होगा, हम यहाँ पर से दोबारा से मोबाइल फ़ोन पर आ जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर से आप लोग जैसे यहाँ पर हम लोग थे बुकिंग्स में थे, तो आप लोगों को क्या करना होगा, इसको कैंसिल करने के लिए आप लोगों के पास यहाँ पर से तीन लाइन फिर से आ जाती हैं, आप लोग इस पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद यहाँ पर से देखिए कैंसिल टिकट का एक आपके पास ऑप्शन आता है, आप लोग यहाँ पर से इस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे आप लोग यहाँ पर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जितने भी टिकट आप लोगों के होंगे वो सारे के सारे फेच करेगा, और उसके बाद यहाँ पर से देखिए आप लोगों के पास एक ऑप्शन आता है कैंसिल टिकट का, आप लोगों को यहाँ पर से कैंसिल टिकट पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर आप लोगों ने मल्टीपल टिकट बुक किए होंगे तो आप लोग अगर सभी को कैंसिल करना चाहते हैं तो सेलेक्ट ऑल पर क्लिक कर लीजिए, अगर आप लोग यहाँ पर से कुछ स्पेसिफिक को करना चाहते हैं तो जितने भी यहाँ पर आप लोग टिकट कैंसिल करना चाहते हैं उन सभी को आप लोग चेक कर लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से ये मैंने एक ही टिकट करवा रखा है, तो मैं यहाँ पर से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर से कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर ये मेरे से पूछ रहा है वेरिफिकेशन के लिए, तो मैं यहाँ पर से इसको क्या कर देता हूँ, कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ।
तो यहाँ पर से देखिए मेरी जो ट्रेन का टिकट है वो कैंसिल हो चुका है सक्सेसफुली, और यहाँ पर से मेरे को टिकट का जो स्टेटस है वो देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पर से देखिए 190 रुपये पे करा था स्लीपर क्लास के लिए, जिसमें मैंने आप सभी लोगों को बताया कि 120 रुपये कट जाएगा। यहाँ पर ये देखिए 120 रुपये जो है वो कटने वाला था स्लीपर क्लास के लिए। तो अब मेरे को यहाँ पर से जो रिमेनिंग है वो यहाँ पर मिल जाएगा, और रिमेनिंग मेरा था 70 रुपये, तो मेरे को यहाँ पर से 70 रुपये जो है वो मिल जाएंगे। तो ऐसे करके आप लोग IRCTC की मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए अगर अपनी ट्रेन का टिकट कैंसिल करना चाहते हैं तो वो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा और आपके काम आया तो यहाँ पर लाइक बटन में क्लिक करके इसको जरूर लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप लोगों के कोई सवाल या फिर सुझाव है तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं या फिर बता सकते हैं। और ऐसे ही कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, वेब और टेक्नोलॉजी से संबंधित लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स और हाउ टू वीडियो देखने के लिए आप हमारा हाउ टू इन यूट्यूब चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए, उससे होगा ये कि जितने भी हम वीडियो डालेंगे हाउ टू हिंदी में उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, और फिर आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।